सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। आजम खान ने एक बयान दिया था कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब नाम लिए बिना आजम खान ने निकाय चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो, ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए। अब ऐसा समय आएगा कि लोग एक दूसरे पर कनपटी पर गोली तानेंगे। इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक पुराना मुहावरा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आजम खान पर सटीक बैठता है। वो आजम खान जिनको बदजुबानी के मामले में न्यायपालिका से सजा हुई हो, उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी हो, बावजूद इसके बदजुबानी करने से वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन आजम खान की इस बदजुबानी का इलाज योगी सरकार लगातार कर रही है और फिर जल्दी ही जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही है। वो जेल की सलाखों के फिर पीछे पहुंचेंगे और ये बदजुबानी उन पर विराम लगेगा। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा सांसद बोले, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर आस्था और विश्वास है। एफआईआर की कॉपी नहीं है लेकिन दर्ज हो गई है। मुझे पुलिस और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जांच एजेंसी जहां उचित समझे मैं तैयार हूं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये क्या आरोप क्या है? मैं छह भाई पैदा हुआ था, छह भाई था, पांच भाई नहीं है आज। मैंने पांच भाई का दाह संस्कार इन हाथों से किया है। मैंने अपने बाप का दाह संस्कार किया, मैंने अपने बेटे का किया। मैं कोई दबाव नहीं। लेकिन आप भावुक हो गए? नहीं, जैसे भावुक चलिए, कहने का मतलब कि मैं सब दुनिया देख चुका हूँ। जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं है ना। उससे बड़ी विपत्ति तो नहीं है मेरे ऊपर। और मैं ऐसी बहुत विपत्ति देखा हूँ। मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे। दावा है मेरा, नोट कर लीजिए। लखनऊ में सऊदी अरब हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। सऊदी में जन्नतुल बकी के निर्माण नहीं किए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत अपने नियम कानून बनाने को लेकर एक बार फिर राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमा है सिर्फ इसीलिए ताकि हमारी मालूम होना चाहिए। आज की तारीख खास तारीख है क्योंकि बहुत से मुकाम से ये हमें इत्तला मिलती है। अब मैं गुजारिश करूंगा आज जनाब मौलाना गुलाम हुसैन सदफ साहब सिबला से। नगर निकाय चुनावी का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी अपने नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा सरकार के विकास मुद्दों का दावा कर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं और साथ ही जनसंपर्क माध्यम करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि विकास के 5 साल किस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, जनता से सीधे जनसभा कर संपर्क किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद जनता के बीच विशाल जनसभा का आयोजन कर भाजपा के प्रत्याशियों का हौसला भरने में जुट गए हैं। भाजपा विकास चुनावी पंपलेट में विकास कार्यों के लेखों का जिक्र कर नगर पंचायत प्रत्याशी संजीव कड़वाल ने बताया कि अपनी प्राथमिकता एक दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली का 60% वोट हमारा है और 40% में बंटवारा है और 40% में भी हमारा है। अगर बात की जाए नगर पालिका की तो नगर पालिका को भी उन्होंने 75% वोट अपना बताया है और 25% वोट का बंटवारा बताया है और उस 25% वोट में भी भाजपा पार्टी का वोट बताया है। रायबरेली में अमृत योजना के तहत पड़ रही सीवर लाइन आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बताते चले कि सीवर लाइन पड़ने के बाद से सड़क जगह जगह से धस रही है। ताजा मामला आईटीआई रोड का है, जहां सीवर लाइन पड़ने के बाद 1.5 माह पहले बनी सड़क के धसने से टाइल्स लदा ट्रैक्टर ऑटो पलट गया।
गनीमत यही रही कि ऑटो पर सवारियां नहीं बैठी थी, चालक बाल बाल बच गया। प्रयागराज में जवाहरलाल जायसवाल के समर्थन में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह मुन्ना प्रचार करते नजर आए। बता दें कि जवाहरलाल जायसवाल सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी चेयरमैन जवाहरलाल जायसवाल ने 5 साल में हंडिया नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बना दिया है। वहीं प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह मुन्ना ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में 2023 में बीजेपी लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र शहर अध्यक्ष ज्वाइन कराकर उछल कूद मचाए हुए हैं। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से कांग्रेस पार्टी का एकमात्र शहर अध्यक्ष ज्वाइन करा के जितना उछल कूद मचाए हुए है, टीवी चैनलों पे बाबाई लूट रही है। आज डिबेट अगर टीवी चैनलों पे होनी चाहिए तो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम से लेके और 40 विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद मिला के 40 नेता उनके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और पूरी तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपने को कमज़ोर महसूस कर रही है, क्योंकि नगर निगमों में इन्होंने हाउस टैक्स और जल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और गरीबों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया, ठेलिया से लेके और दुकानदारों तक का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का जो उनके नेताओं की एक पूरी के पूरी लीडरशिप ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, ये छोटे मोटे पुआधे लेके अपना सिर पीठ थपथपा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कानपुर में प्लॉट कब्जाने और आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की। विधायक ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि जिस प्लॉट मामले को लेकर इरफान सोलंकी पर मुकदमा हुआ है, उस प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक मुकदमे का निस्तारण न हो तब तक यथास्थिति बनी रहे। इसी के साथ मांग की कि उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम लोग आज पुलिस कमिश्नर से मिले थे, जिस विवादित प्लॉट को लेकर के विधायक इरफान सोलंकी पर सारी कार्रवाई हुई, जिस पर आरोप लगे, उस प्लॉट का स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं कुछ लोग। वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहाँ बाउंड्री बनाई जा रही है। हम समझते हैं दौरान मुकदमा, अभी मालिकियत में कोई फैसला नहीं हुआ है, दौरान मुकदमा प्लॉट का स्टेटस चेंज नहीं किया जाना चाहिए। CRPC की धारा 310 का भी प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें विवादित संपत्ति का स्वरूप का परिवर्तन बगैर न्यायालय के आदेश के नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर हम लोग कमिश्नर से मिले हैं कि उसके स्वरूप का परिवर्तन ना हो और विवादित प्लॉट के ऊपर फेस करके कैमरे लगाए जाएँ, ताकि यदि वहाँ कोई एक्शन होता तो वो दर्ज हो जाए। चोरी छुपे उस प्लॉट पर लगातार निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास चल रहा है और प्लॉट कब्जे को लेकर सारा जो विवादों की जड़ है, जो शुरुआत हुई है, यदि कब्जा ही गलत होगा तो सारी बात गलत साबित हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्लॉट पर कब्जा ना हो जब तक न्यायालय मामला चल रहा है। हमें भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिल जाएगा और निर्दोष साबित होंगे विधायक इरफान सोलंकी। तब तक विधायक इसका प्लॉट का स्वरूप परिवर्तन ना हो, ये डिमांड हम लोग करी। सम्मानित विधायक गणों द्वारा हमें एक दो ज्ञापन आज दिए गए हैं। प्रथम ज्ञापन का संबंध जो माननीय विधायक श्री इरफान सोलंकी जी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, उसके घटनास्थल और उस प्लॉट को लेकर है। इसमें ज्ञापन में ये शिकायत की गई है कि वहाँ पर नया निर्माण कार्य हो रहा है और चूँकि इसी मुकदमे से संबंधित केस न्यायालय में विचाराधीन है, अतः मौके की स्थिति CRPC में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पूर्ववत ही होनी चाहिए। और दूसरा बिंदु इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्लॉट है उसकी मालकियत अभी तक किसी ने तय नहीं की है, तो कोई अवैध निर्माण वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रार्थना पत्र है माननीय विधायक जी के परिवार की सुरक्षा को लेकर। ये संबंध में अनुरोध पहले भी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, तो उनके घर के आसपास आवश्यक पुलिस व्यवस्थाएं पुलिस ने कर दी थी।
कानपुर शहर में कई इलाकों में ईद के मौके पर बिना अनुमति के ईदगाह के बाहर हजारों लोगों ने सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में लगभग 2000 लोगों के खिलाफ तीन तीन अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इन मामलों में अभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरा मामला बताते चले कि ईद के दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद फरीदाबाद में आयोजित होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम विधायकगण और अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। बता दें कि कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 12 शिकायतों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुरंत प्रभाव समाधान कर दिया, जबकि 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया। हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है, हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिविजनल कमिश्नर के लिए मैंने लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेज आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेज तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है, एसटीपी लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे FIR। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनको अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। ताजनगरी में पुलिस की सराहनीय पहल सामने नजर आई है। बता दें कि पुलिस ने लपकागिरी करने वालों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। ताजमहल पर लपकागिरी करने वालों की क्लास लगेगी। बताते चले कि पर्यटन पुलिस बच्चों को गोद लेकर उनका भविष्य संवारेगी। तरह तरह के सामान बेचने वाले बच्चों के हाथों में कलम थमाई जाएगी। निजी संस्थाओं की मदद से पर्यटन थाने के बाल मित्र थाना में कार्यशाला शुरू की गई। SP अरीब अहमद के निर्देशन में पर्यटन प्रभारी रीना चौधरी अभियान की कमान संभालेंगी। मैं इसी पिताल सुरक्षा सैयद अरीब अहमद। तो सर आपने क्या कराया है आज? आज पर्यटन थाने में, बाल मित्र पुलिस थाने में, हम ताजमहल के आसपास हॉगरी करने वाले बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स और सोसाइटी संगठन के सहयोग से हम उनके लिए कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण और उसके आगे स्कूलिंग वगैरह की भी व्यवस्था भविष्य में करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि ताजमहल के आसपास पर्यटकों को परेशान करने के बजाय ये अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करें और उसमें हमसे जो सहयोग हो सकेगा वो हम अवश्य करेंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।